कैसे हैं आप सब? मैं प्रीति घर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि घर फाउंडेशन के इस फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशन बैच के आप लोग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं आप लोगों से सबसे यही मेरी होप रहेगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। होता क्या है कि टैलेंट तो सब के अंदर है, नो डाउट कि टैलेंट की कमी होती है। फीमेल्स के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं होती, ये हम मानते ही नहीं है कि टैलेंट की कमी होती है। बट उस टैलेंट को इन्हेंस करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को नहीं लेते हैं, हमारी उस चीज़ की कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज भी जाते हैं, कहीं भी हम लोग कोई डिग्री लेते हैं, कोई भी डिप्लोमा लेते हैं, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपसे कोई पूछता है कि भैया आप कितने पढ़े लिखे हो, आप बोलते हो मैंने मास्टर्स किया हुआ है। वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये कहेगा, बेटा आपकी डिग्री है या मास्टर्स किया है तो किस चीज़ में किया है। अब ब्यूटिशन का ही ले लीजिए, अगर ब्यूटिशन में आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेशन ना हो और आप उससे कहो कि मैंने ब्यूटिशन का कोर्स किया है, यहाँ से किया है, तो वो यकीन करेगा आपकी बातों पर? नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए घर फाउंडेशन ने एक छोटी सी पहल की है कि आप लोगों के लिए हम ये कोर्स लाए हैं ब्यूटिशन का, जिसमें हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स करेंगे, 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रहेगा। और यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को अपने लगन से सीखना है और बहुत अच्छे से अपना 100% देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने सेल्फ के लिए भी सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि देखिए मेकअप सभी को नीड है, फीमेल्स के लिए क्या होता है, सजना संवरना हर फीमेल्स का हक है और उनको अच्छा भी लगता है। तो होता क्या है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग 3 to 4 hours ब्यूटी पार्लर में जाएं, या हम लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि हर मेकअप का हम लोग उनको पे कर सकें। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बेसिक के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए एक ब्यूटिशन का जो कोर्स रखा है कि आप लोग इतना सीखें कि एटलीस्ट अपना जो मेकअप है उसको अच्छे से कर सके, और जो और जिसको आता है वो और अच्छे से इन्हेंस कर सके इस चीज़ों को। और जो प्रोफेशनली करना चाहता है उसके लिए तो मैं बहुत बहुत ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखें। और देखिए पहली चीज़ ये कि आपकी जो क्लासेज हैं वो हमारी वीक में 3 days रहेंगी, अल्टरनेटिव रहेंगी क्लासेज, और क्लासेज में रेगुलर मेंटेन करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं जो अभी वेटिंग में भी हैं। अगर आप लोग क्लासेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, बीच में कोई बच्चा क्लासेस स्किप करता है, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि मैम मैं रीजॉइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ, कल को आप मुझे ये ना बोलें कि मैम आपने क्लासेस से मेरा नाम कट कर दिया है। क्योंकि जो बच्चे वेटिंग में हैं तो हम उन बच्चों को फिर आपकी सीट दे देंगे, ठीक है ना। फिर ये ना हो कि मैम आपने मेरी सीट क्यों कट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लासेस प्रॉपर लेनी है, रेगुलर लेनी है, और बीच में जो है आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन होगा, क्लियर है, ठीक है। और हमारे बीच में कोमल मैम हैं जो आपको प्रोफेशनल हमारी ट्रेनर है मैम, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें सिखाएंगी बेसिक से लेके जितना भी हमारा होता है ब्यूटिशन में। 3 मंथ्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो कवर कर सकती हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैम के साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे, और आप लोगों को जो चीज़ें क्लियर ना हो वो चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। और हमारे फाउंडेशन में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे होने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, और आप लोगों को आगे तक ये सारी चीज़ें लेके जानी है। 3 मंथ्स के कोर्स के बाद हमारी आगे बहुत सारे अभी हम लोग प्रोग्राम्स कराने वाले हैं, तो आप लोग इस मैसेज को तो पास ऑन कीजिए कि हमारे यहाँ ब्यूटिशन का कोर्स हो रहा है। इसके अलावा आप लोग सर्च कीजिएगा घर फाउंडेशन के नाम से, तो आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम्स भी दिखाई देंगे जिसमें हम लोगों ने बच्चों की डांस क्लासेस कराई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने अकेडमिक क्लासेस अभी बच्चों की कराई थी फ्री ऑफ कॉस्ट 9th, 10th, 11th, 12th की, ठीक है, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं, अभी रिजल्ट आया है रिसेंटली बच्चों का। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर तरीके से आपको जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है, और आप लोग अपना पूरा सहयोग दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब मैम से मैं बोलूँगी कि मैम थोड़ा सा कुछ बताएंगे अपने कोर्सेज के बारे में जो भी आपको ये कराने वाली है।
मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेरे साथ कॉम्पिटिट करेंगे, सीखेंगे अच्छे से, और मैं आपको 100 से 110% दूंगी अच्छे से सिखाने में। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ बना के ही निकालूंगी, मैम से ही मेरा प्रॉमिस है। और आपको थैंक यू। लेकिन कॉम्प्रोमाइज आपको करना है, ये नहीं कि आज ये है, आप कितनी क्लास है, 45 क्लास होंगी, ठीक है, अल्टरनेटिव क्लास है, आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं करना उस क्लास, ठीक है, और अच्छे से सीखना है और लगन से सीखना है। थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट क्लास है, आज हम मैनीक्योर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैनीक्योर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, अमोनिया हाइड्रोजन, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए, ये हम यूज़ करेंगे। देन आपके पास शैम्पू होना चाहिए, ये यूज़ करेंगे मैनीक्योर में हम, ओके। देन टूल्स किट यूज़ करेंगे हम, ये टूल्स किट यूज़ होगा मैनीक्योर के लिए आपके, ठीक है। मैं इन टूल के बारे में बताऊँ क्या क्या टूल्स हैं, आप जरा सब बता दीजिए, क्योंकि एक्चुअली इनको पता नहीं वो टूल्स, आप टूल्स दिखा रहे हैं लेकिन टूल्स क्या है। ठीक है, तो ये मैनीक्योर के टूल्स हैं, इसमें आपका पुशर मिलेगा आपको, एक फाइलर होगा, एक डेड स्किन निकालने के लिए क्यूटिकल होगा, देन नेल कटर होगा। पुशर हम टैनिंग निकालने के लिए यूज़ करते हैं नेल्स के ऊपर से, पुशर हम करेंगे अंदर से जो नेल्स के अंदर होती है टैनिंग उसको निकालेंगे, फाइलर हम नेल शेपिंग के लिए निकालेंगे, देन नेल कटर आपको पता है कि नेल कट करने के लिए यूज़ करना है आपको, ठीक है। और देन स्क्रबिंग, ये आपको हैंड्स की टैनिंग रिमूव करने के लिए करना है, टैनिंग निकालने के बाद आपको मसाज क्रीम यूज़ करना है, क्योंकि टैनिंग निकालने के बाद रैशेज हो जाते हैं तो उसके आपको मसाज क्रीम भी चाहिए, ओके। आप आपको फेशी पेडिक्योर भी बताएंगे, फेशियल्स, वैक्स, थ्रेड वर्क होगा, ओके, हेयर कट होगा और बेसिक मेकअप होगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपको, तो समझ में आया कि टूल किट में क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होता है। तो हमें नेल के, जैसे नेल के अंदर का होता है डस्ट होता है, उसको निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान है। और चीज़ और बताइए, जो मैम ने आपको यूनिक चीज़ बताई है, और इसको अभी एक प्रोडक्ट आया है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जानकारी बताएंगे जरा मुझे आप। अच्छा, नेल फाइलर सर, नहीं अभी एक प्रोडक्ट आपको साथ में यहाँ उन्होंने यूज उठाया था, तो उसके बारे में आपने क्या बताया मैडम ने, आपको कुछ समझाया इसके बारे में किस तरह यूज होता है। अच्छा, बिल्कुल। और जैसे आप, जैसे मैडम बहुत चीज़ आपको सिखाने वाली है, अभी देखो आपके 45 दिन की ये क्लास होने वाली है, तो 45 दिन की जो क्लास होनी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आप यहाँ से जो करके जाओगे, ये घर फाउंडेशन से आप जुड़े हो, तो पॉसिबल मैं चाहता हूँ कि घर फाउंडेशन से जितनी भी महिलाएँ वो अव्वल होकर निकलें और यहाँ के नाम को ऊँचा करें, है कि नहीं। आपके लिए एक व्यवसाय का भी एक सहारा ये है, क्योंकि देखो आप महिलाओं को आजकल पुरुष के बराबर चलना है, पुरुष से आगे बढ़ना है, क्योंकि महिला हर कोई पुरुष से आगे हैं। तो आप ये नहीं है कि घर पे हमेशा बर्तन चौका करने के वाली नहीं औरतें, आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी, आप सब चीज़ हैं। अगर आप चाहो संघर्ष करो तो आप कुछ सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन घर में बर्तन नहीं धोने, बहुत धो लिए बर्तन, अब करना है कुछ काम ऐसा और नाम करना। देखो आज हमारे देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बनको तो जैसे वो है बने, तो हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे करें कुछ, लेकिन बहुत हो गया, है कि कुछ करना है। देखो आपको एक तरीका, एक घर फाउंडेशन आपको बहुत चीज़ सिखाने को मिल रही है यहाँ पर, और आपको चाहती है कि आप उन्नति करें और ज़्यादा घर फाउंडेशन से जुड़े, और जितने भी लोगों ने अभी तक सीखा है वो और भी लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि ज्ञान सिर्फ अपने तक रखें, सभी को ये ज्ञान दें। आपने क्या सीखा जी यहाँ से? अभी समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, कोई नहीं, बहुत से लोग हैं जी समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। फिर भी आप मैडम, आज पहला दिन है तो पहला दिन काफ़ी अच्छा है इनको सीखने वाला, और भी कुछ बताना चाहेंगे मैम इनको आप क्या? हाँ जी, ये बताऊँगी, जो भी आप सीखें मैनीक्योर पेडीक्योर, जो भी आपकी क्लास हो, क्लियर अच्छे से सीखना है और प्रैक्टिस डे बाय डे करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछेंगे आके। देखिए दीदी ने काफ़ी चीज़ बताई यहाँ पर, आप लोगों को समझना है, देखो इसका फ़ायदा उठाना, इसका वो मत करना कि भैया आज सिखा दिया कल जाके घर में जाके भूल गए, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो सके तो अपने घर में कोई भी छोटी बच्ची हो या किसी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई महिला हो उसके साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और दीदी आप कुछ बताएंगे, आप कुछ और चीज़ें और भी आप एक्टिविटी? हाँ बिल्कुल, तो विदाउट प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें इनहेंस होंगी और आप मैजिकल मूवमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल मैजिकल वूमेन ही है सारी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और घर फाउंडेशन काफ़ी चीज़ सिखाती है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ शूट कर रहे हैं, तो आज हमें बहुत चीज़ें यहाँ ब्यूटी पार्लर के बारे में सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज सबको सेल्फ, ये चाहते हैं कि सेल्फ चीज़ करें हर चीज़, है ना, सेल्फ डिफेंस सिखा रही तरह से, ये भी सेल्फ डिफेंस आपके लिए कमाने का साधन जिसे कहते हैं। तो देखो इस तरह से आपको एक गुरु मिले हैं, तो आप उनकी गुरु की जो भी चीज़ बात है उनको ध्यान रखें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आप पैशन से सीखिए बस, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा रिपीट जरूर पूछें से,
क्योंकि ऐसा है ना, रिपीट पूछोगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जिस तरह से आप घर फाउंडेशन ऐसे कार्य करता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी लोगों को यहाँ ये ज्ञान मिले और एक अच्छा मौका मिला है। देखो काफ़ी प्रोडक्ट्स इन्होंने रखे हैं कि काफ़ी चीज़ सिखा भी नहीं है, अच्छी बात है। एक गुरु को हमने पहले तो आपको गुरु के स्थान पर रखा है, तो आपको गुरु यहाँ पर है, ये शिक्षक हैं, तो चाहते हैं कि गुरु जो चीज़ सिखाएगा वो हमें अच्छे से सिखाएगा और हमारी लाइफ को भी आगे बढ़ाएगा। तो हमें बाकी गुरु के नाम को ऊंचा करना हमारा कर्तव्य है, ये नहीं कि गुरु ने हमें सिखा दिया और गुरु को हम भूल गए। क्योंकि बहुत से लोग गुरु दक्षिणा पहले देते थे, कहते ना भाई हमने तो अंगूठा दे नहीं सकते, लेकिन गुरु दक्षिणा तुमको जरूर मिलनी चाहिए जो भी इनकी है, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ भी प्राप्त होता है ना, तो उसका श्रेय इन मैडम को जरूर जाना चाहिए और घर फाउंडेशन को बहुत जरूर जाना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी और सबसे ज़्यादा कि कामयाबी का रास्ता दिखा रहे हैं आपको ये, क्योंकि घर में बैठ कर आपने देखो आप क्या करोगे, घर में जाओगे चलो सब कुछ करोगे, लेकिन कल को आपने ससुराल जाना है, लेकिन ससुराल के बाद क्या करना है, वही आपके घर में रोटी पकाना है, वही खाना पीना, वही ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। अपने नाम को करना है, कभी एक आप किसी स्तर पर आपका नाम होगा भी शिवानी, आज देखो नंबर वन की ब्यूटी पार्लर है ना। देखो आजकल बहुत से हैं लोग जो कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे शिवानी कोई है यहाँ पे, सॉरी किसी नाम नहीं गलती से भी निकल गया हूँ तो सॉरी इसके लिए। तो ठीक है आप लगे रहिए, दीदी आप बता रही हैं, दीदी आप कुछ और बता सकती हैं बताइए, मैं थोड़ा सा और कैप्चर कर लूँ। मैं बस यही बताऊँगी कि जो भी आपको सीखना है पैशन से सीखना है, इसको एक ऐसे मतलब खेल नहीं समझना है कि मैं टाइम पास करने के लिए आई हूँ, तो वो नहीं करना, आपको एक पैशन से सीखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा, प्रीति मैम ने घर फाउंडेशन की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी है, उसको आप अच्छे से यूज़ करना है, उसका आपको सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना, ना कि टाइम पास करा चले गए, तो इसको अच्छे से लर्निंग करना है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट जो प्रीति मैम ने बोली दिया है वो अच्छे से सीखेंगे, तो मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपका साथ देने की, आपको आगे ले जाने की, मैं आपसे वादा करती हूँ, और उसमें आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए आपका, सब चाहिए सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जी गुरु का करने से नहीं होता, गुरु के बोलने से होता, आप लोग को भी करके दिखाना है, तभी लगेगा कि भाई आप घर फाउंडेशन में ये कार्य कर रहा है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि ये फ्री है तो यहाँ पर पता नहीं कैसा सिखाएंगे, जैसा नहीं सिखाएंगे, हमने आपके लिए बेस्ट टीचर ढूंढ के मैंने रखी है आप लोगों के लिए। देखिए होता क्या है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप कोई भी जो ये प्राइवेट अकेडमी होती है, लाइक लेंथी हो गई, अकीप हो गया, आप किसी का भी बेसिक कोर्स उठा के देख लीजिए, वहाँ की फीस हमारे अफोर्डेबल नहीं होती, हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम लोगों ने उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए कोर्स किया है कि भाई आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच सके, क्योंकि करना सब लोग चाहते हैं और टैलेंट की कमी तो होती ही नहीं है आप लोगों में, ठीक है, लेकिन उस टैलेंट को और ज़्यादा निखारने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए सर्टिफिकेशन भी जरूरी होता है। देखो मेहनत बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत करेंगे आप लोगों के अंदर एक और चीज़ एड ऑन हो जाएगी, चीज़ें इनहेंस होंगी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपकी आपको खुद को एक पहचान मिलेगी कि मैंने यहाँ से ये कोर्स किया है, और आपको फिर उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं बार बार बताना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा उस चीज़ का कि मैंने किया हुआ है, ठीक है। आगे आपको वो चीज़ें काम आएंगी, आप कहीं अपना पार्लर खोल सकते हैं या आप अपना भी बेसिकली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना होता है पार्लर में आप लोग जाते हैं जो भी सर्विसेज लेते हैं कितनी कॉस्टली पड़ती है नहीं पड़ती है कॉस्टली, ठीक है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि 3-4 घंटे हर फंक्शन के लिए आप लोग जाएँ मेकअप कराएं, फिर उनको 4,000, 5,000 या 10,000 उनको आप पे करें, तो ये सब चीज़ें हमारे अफोर्डेबल नहीं होती, ठीक है। तो हम इतना तो आप लोग कम से कम सीखे कि अपना तो करें करें, साथ ही अगर प्रोफेशनली आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग और अच्छे सीखिए। मैं तो यही कहूँगी कि मैम की जितना भी मैम के अंदर टैलेंट है वो आप लोग के अंदर भी है, ठीक है, और वो कब आएगा जब आप लोग मैम के साथ पूरा 100% रखना देंगे। क्लासेस बंक नहीं करनी है, जिसमें बार बार क्लियर बोल रही हूँ, क्लासेस बिल्कुल बंक नहीं करनी है। क्लासेस बंक अगर आप लोग करोगे तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, कल को आप लोगों से ये ना बोले कि मैम आपने हमारा नाम कट कर दिया, ठीक है। तो क्लासेस बंक नहीं करनी है, रेगुलर क्लासेस लेनी है और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो मैम से बार बार पूछना है, मैम आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगी। 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम बहुत कम नहीं होता, बहुत टाइम होता है 3 मंथ्स का, और हमने आपके लिए टैलेंट ड्यूरेशन भी ऐसा रखा है कि हाउस वाइफ तो सीख ही सकती है, क्योंकि क्या है आगे समर वेकेशन है, समर वेकेशन में देखो हमारे साथ बच्चे इतने सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ हमने टाइम ड्यूरेशन ऐसा डिसाइड किया है कि आप लोगों का जो स्टडी वाला टाइम होता है ना वो आपका खराब ना हो, कि आप लोगों का जो समर वेकेशन वाला टाइम है आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, इसीलिए हम लोगों ने ये टाइम डिसाइड किया। तो थैंक यू सो मच, और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे इस चीज़ में और बहुत अच्छे सीखेंगे, और ये अभी हमारा फर्स्ट बैच है, इसके आगे भी हमारे 2 बैच अभी और है, नेक्स्ट बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, वो नेक्स्ट अभी आने वाले टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो आज यहाँ से सीख के लेंगे, अब सबके आपकी फोटो और वीडियोस बन चुकी है, ध्यान रखना, अब जो भी इसमें से मिस होगा ध्यान रखना भैया वो तो गया, ठीक है। तो कोई मिस मत होना प्लीज़, थैंक यू सो मच आप लोग का।
मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ के घर फाउंडेशन को, जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे मतलब लॉन्च किया गया है कि हम लोग भी कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। इसमें मुझे इस चीज़ का पता मेरी सिस्टर से पता चला, उन्होंने स्टेटस लगाया था अपना गरिमा मैम का नाम करके, तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि फ्री मिलता है कोई चीज़ तो हर कोई लेना चाहता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सीखूँगी, मैं भी मतलब इसे प्रोफेशनल तरीके से लूँगी, आगे बढ़ूँगी। और आज ये मेरी पहली क्लास है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतनी प्यारी मैम मिली हमें, जो हमें सिखाने के लिए आई है, और उन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। फर्स्ट क्लास में उन्होंने हमें मैनिक्योर के बारे में बताया कि हमें कैसे करना है, अपने हाथों को क्लीन कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या टूल चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाया, बेस्ट तरीका दिया है। तो मैं कोई से किसको लेना चाहूँगी? मैं कोमल मैम आई थिंक ना जी हाँ, सबसे पहले तो घर फाउंडेशन, क्योंकि अगर घर फाउंडेशन होता ही नहीं तो हम यहाँ होते ही नहीं। कोमल कहाँ से आते, घर फाउंडेशन नहीं होता तो। जी मैम, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोना सिंह और मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने के लिए आई हूँ। घर फाउंडेशन की वजह से मतलब ये इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम को अच्छे से अपना यूटिलाइज करूँ, क्योंकि हमेशा अच्छा मौका बार बार नहीं आता है, पहली बार ऐसा मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार बहुत अच्छा करूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गर्ल फाउंडेशन कि ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, और प्रीति मैम एंड कोमल मैम दे बोथ आर वेरी स्वीट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस मतलब इतना अच्छा हमारे लिए करने के लिए। और आज हमें कोमल मैम ने बहुत सिखाया है मैनीक्योर के बारे में, उसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। जैसे शुरुआत में हमें बोला है कि हाइड्रोजन अमोनिया मिक्स करके उसमें शैम्पू मिक्स कीजिए, फिर उसको मिक्स करके उसमें अपना मतलब हमेशा हमें वॉर्म वाटर ही यूज़ करना है, और उसको मिक्स करके अपना हाथ जो है उसको 15 मिनट्स एटलीस्ट उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे मैंने अभी हमारा फर्स्ट क्लास है तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट स्टिल मेरे को जितना अभी याद है मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अच्छे से अपना लर्न करके आऊँ। और आज हमारा फर्स्ट क्लास था तो ये हमारा सिर्फ थ्योरी था, एंड नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हमारा प्रैक्टिकल यूज़ होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगली बार अच्छे से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सीखा। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, फाउंडेशन में पहली बार ब्यूटिशन कोर्स सीखने आई हूँ, तो आज की पहली क्लास मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी। इन्होंने हर चीज़ मतलब हमारी जो टीचर है वो कोमल मैम है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हर चीज़, प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन दिया, फिर स्टेप बाय स्टेप हमें बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करना, तो ये बहुत चीज़ अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कि टाइम है ये अच्छे से यूटिलाइज हो, और कि टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा है, और हमारी सारी मैम से बहुत अच्छी है, और थैंक यू गर्ल्स। हाँ हाँ ज़रूर। हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ। या मुझे घर फाउंडेशन की तरफ से ये ब्यूटिशन कोर्स करने को मिल रहा है, मतलब ऐसे तो हम लोग एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मतलब कर सके हम उनमें कोर्सेज कर सके, बहुत कॉस्टली होते हुए, बट ये एक फ्री कॉस्टली है, तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ प्रोफेशनली कर सकते हैं, कुछ बड़े बन सकते हैं, तो सारा क्रेडिट तो घर फाउंडेशन और मैम लोग को जाता है। जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी उच्चारण भी बड़ी होती है। बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू। मेरा नाम निशा है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी घर फाउंडेशन को और मैम को, जिन्होंने हमें मौका दिया, साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, हमें प्रोडक्ट भी दिखाए कि ऐसे होते हैं, क्योंकि हम मतलब मार्केट में जाएंगे तो हमें कई ठग सकता है, ख़राब प्रोडक्ट्स भी दे सकता है, तो मैम ने हमें प्रोडक्ट्स भी बताए दिखाए, और इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैम ने हमें बताया भी इसके बारे में। तो आज ही सीख रहे हैं, कल से क्या होगा? आएंगे हम डेली आएंगे, रेगुलर करेंगे। हाय, माय नेम इज़ हेमलता आर्या। हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी घर फाउंडेशन को एंड दोनों टीचर्स को, एंड इतना अच्छा मौका दिया हमें आगे बढ़ने का, आगे करने का। होता है कि मेरिट के बाद मोस्टली ये चीज़ नहीं कर पाते, बट ये मैंने जब ये मेरे को पता लगा कि यहाँ पे फ्री में ये चीज़ करवा रहे हैं,
तो मैंने सोचा क्यों हम भी कर लें इस चीज़ को, बट थैंक यू सो मच मैम। और अभी आज जो हमने सीखा बहुत अच्छा लगा, और मैम ने एक एक चीज़ इतनी अच्छे से बताई, एक एक चीज़ मैनिक्योर के बारे में कि कैसे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए करके, एक एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मैम से। और मैं ये है कि हमको जब आ रहे थे तो थोड़ा नर्वस हो रहे थे कि मैम कैसी होगी, मुझे अच्छे से समझाएगी या नहीं समझाएगी, बट मैम से और दोनों में इतने मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ पे घर फाउंडेशन में ब्यूटीशियन कोर्स करने आई हूँ। हमने आज हमें समझाया कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। और आजकल लोग मतलब गलत मतलब चीज़ें ले लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे मतलब नुकसान होता है। और आज मैम ने सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं, कैसे पेडिक्योर करना है, मैनिक्योर करना है, ये सब। और थैंक यू कोमल मैम को, गरिमा मैम को। और भी कोई है जो बोलना चाहेगा? है कोई? ठीक है, तो आज ये मुझे लगता है कि सभी लोग अभी थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं है, तो जब नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होंगे तो काफ़ी चीज़ हमें यहाँ मिलेगा। उस दिन धूम मचने वाली है यहाँ पर जिस टाइम नेक्स्ट टाइम आएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आपने घर फाउंडेशन को समय दिया, और ऐसे ही आप समय देते रहें। कुछ सीखने के लिए आपको अपना कीमती समय निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालोगे तो वैसे जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो, और हो सके तो अपने परिवार का सहयोग भी करो, ये एक सहयोग है। आप जैसे बैठिए, अच्छा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं भी कमाऊँ और मेरे पति भी कमाएं, दोनों मिलकर अपना आलिशानी कोठी खड़ी करें, है कि नहीं? देखो दोनों के सहयोग से सब कुछ हो सकता है। आज के टाइम में दोनों को कमाना बहुत ज़रूरी है, अकेले से नहीं होता है। अब क्योंकि समय जिस हिसाब से महंगाई हुई है, अभी कोरोना का टाइम आया था उसमें लोगों के साथ बहुत सारी परिस्थिति खराब हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको सही करने के लिए हम दोनों को मिलकर एक सही कार्य करना चाहिए। ताकि आप एक कार्य से घर में सीख जाएंगी, आपके घर से पैसा आएगा, उनका ऑफिस से पैसा आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैम ने काफ़ी चीज़ सिखा दी। मैं चाहता हूँ घर फाउंडेशन में जितने भी लोग हैं जुड़े यहाँ पर, और इनको देखो, ये मैम इतनी सुंदर है कि कुछ मत ध्यान दो, हर इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मौका दे रही है। भैया मैं तो इनकी तारीफ करता हूँ, उनको सलूट करता तहे से, और ऐसे ये लोग यहाँ पर आएँ जुड़े। और मैडम के साथ आज इतनी दिख रही है संख्या, मुझे लगता है कि अगले दिन मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ये मुझे लगता है कि यहाँ गेट से बाहर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। अंदर भी आ रहा है, हमारे तो नेक्स्ट हमारे दो बैचेस हैं, उसमें 45 अराउंड हमारे बच्चे हैं एक बैच में। आज शायद फर्स्ट क्लास है तो बच्चों को शायद नहीं, टाइम का कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो इसलिए पूरे बच्चे नहीं आए हैं। बाकी हमारे दो बैचेस आज मतलब पूरे दिन में दो बैचेस अभी हमारे और होने वाले हैं, उसमें हमारी पूरी स्ट्रेंथ रहेगी बच्चों। मैम दो नियम तो चाहते हैं 10-12 मैचेस होती रहे यहाँ पर, मतलब बिजी रहे आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आपने हमें कीमती समय दिया और मैम ने भी हमें कीमती समय दिया, और इसी तरह से घर फाउंडेशन का आप जुड़े और घर फाउंडेशन को एक ऐसे लेवल तक पहुँचाएं, आप हर बच्चे के मुँह में आना चाहिए घर फाउंडेशन, ठीक है कि नहीं? हर बच्चा बोले घर फाउंडेशन से जुड़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका सब लोगों का, आपने हमें कीमती समय दिया। मैं चाहता हूँ मैडम का सबसे बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने भी मुझे कैप्चर करने का छोटा सा ये मिला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से अगर आप लोग आगे बढ़ें और मेरे वजह से कुछ लोग और भी सीखें तो मेरे लिए भी गर्व की बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये क्या अभी भी कम है आवाज़, तेज आवाज़ होनी चाहिए कि बाहर तक आवाज़ सुने कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, बोलो यस। ये मजा आया ना ऐसी, और हमेशा यस तेज होना चाहिए, और आवाज़ को हमेशा बुलंद रखो, आराम से नहीं बोलना है, तेज बोलना है, डरना नहीं है डराना है, ठीक है। महिला शक्ति वो तगड़ी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ऐसी क्लासे लेते रहे और ऐसे ही मैडम के साथ जुड़े रहे, और आपको एक नई नई चीज़ें मिलेगी देखने को, हर दिन एक नया नया आपको क्लास मिलेगी, नई नई चीज़ आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, शायद आपको प्रैक्टिकल करने को भी मिलेगा, तो ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि मैडम तो बता देंगे ये क्रीम है ये पाउडर है, तो आप सिर्फ क्रीम पाउडर तक सीमित रहेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में ज्ञान भी आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।